दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्यों कि आज के वीडियो में हम ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मांड वह सब कुछ है जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं, मापते हैं या हल करते हैं। इसमें जीवित और निर्जीव चीजें, ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं, धूल के बादल, प्रकाश और ऊर्जा के सभी रूप शामिल हैं। ब्रह्मांड का आकार और उम्र अज्ञात है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह लगभग 14 अरब साल पहले एक बड़े धमाके बिग बैंग से शुरू हुआ था। ब्रह्मांड के उत्पत्ति से पहले समय, स्थान और कोई भी तत्व मौजूद नहीं थे। ब्रह्मांड में तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, सामान्य पदार्थ, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। सामान्य पदार्थ वह है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। यह हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है, साथ ही कुछ अन्य तत्वों से। डार्क मैटर एक अज्ञात पदार्थ है जो गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से अपने अस्तित्व का पता चलता है। यह ब्रह्मांड में सामान्य पदार्थ से लगभग 5 गुना अधिक है, लेकिन हम इसे सीधे नहीं देख सकते हैं। डार्क एनर्जी एक अज्ञात बल है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रहा है। ब्रह्मांड का विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसे पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड शुरू में एक बहुत ही छोटे और गर्म बिंदु था। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैला और ठंडा हुआ। हाइड्रोजन और हीलियम गैसें इकट्ठा होकर तारे और आकाश गंगाओं का निर्माण किया। ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक आकाश गंगा में लाखों या अरबों तारे समाये होते हैं। हमारे आकाश गंगा में स्थित सूर्य भी अरबों सितारों में से एक है, और हमारी आकाश गंगा भी ब्रह्मांड के अरबों आकाश गंगाओं में से एक है। तारों और आकाश गंगाओं के बीच का स्थान काफी हद तक रिक्त होता है। ब्रह्मांड अत्यंत विशाल और सर्वदूर विस्तारित है। सूर्य से सबसे निकटतम तारे तक पहुंचने के लिए आज के आधुनिक जेट फाइटर को 10 लाख वर्षों से अधिक समय लग सकता है। ब्रह्मांड अभी भी विस्तार कर रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी गति भविष्य में धीमी या तेज हो सकती है, लेकिन यह भी संभव है कि ब्रह्मांड एक बिंदु पर सिकुड़ जाएगा और फिर से एक बड़े धमाके में समाप्त हो जाएगा। भौतिक ब्रह्मांड कितना अधिक विशाल और विस्तारित है, इसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता, क्योंकि ब्रह्मांड की सीमाएं है भी या नहीं, यह आज तक ज्ञात नहीं है। ताजा अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड कम से कम 43 अरब प्रकाश वर्ष दायरे में विस्तारित है। ब्रह्मांड का आकार हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है। यहाँ तक कि प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है। इसलिए अंतरिक्ष का जो क्षेत्र आज हम देखते हैं, वह उस समय से अरबों गुना बड़ा है जब ब्रह्मांड बहुत छोटा हुआ करता था। आकाश गंगाएं भी दूर तक बढ़ रही हैं, साथ ही उनके बीच का अंतराल भी फैलता जा रहा है। हमारी आकाश गंगा के कई सितारों में सौर मंडल है जिसमें ग्रह होते हैं। आकाश गंगाएं समान रूप से और सभी दिशाओं में समान वितरित होती है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड की न तो कोई सीमा है और न ही कोई केंद्र है। ब्रह्मांड एक रहस्यमय और अद्भुत जगह है। हम इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम लगातार सीख रहे हैं। ब्रह्मांड के बारे में और जानने के लिए हम खगोल विज्ञान और भौतिकी का अध्ययन करते हैं। हम दूरबीनों और अन्य उपकरणों का उपयोग करके ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। हम ब्रह्मांड के विकास के बारे में मॉडल बनाते हैं और उनका परीक्षण करते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। यह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करता है और हमारे स्थान को इस महान अज्ञात में जानने में मदद करता है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी और रोचक थी। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही नई जानकारी के साथ हम पेश होंगे। तब तक धन्यवाद।